मदर की एज पूछियो या डॉटर की एज पूछियो, फादर की एज पूछियो या तो फिर सन की, किसी की भी एज पूछियो, सबकी एज निकालना मैं आपको आज इसी वीडियो में सिखाऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक से, जिससे 5 या 10 सेकंड में आप अपना आंसर ला सकते हो। सो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स स्टेयर्स में, और आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ, वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। इसके काफ़ी सारे सम्स एग्जाम में आते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे। सो आप ये वीडियो को एंड तक देखिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसका कंसेप्ट समझना है कि इसके पीछे का कंसेप्ट है क्या। इस मेथड में मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा जो हम ओल्ड ट्रिक यूज करते थे जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, और फिर थर्ड मैं आपको बताऊंगा कि हमको शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करनी, और फोर्थ मैं आपको एक होमवर्क में दूंगा ताकि आपका भी आंसर 5 या 10 सेकंड में आ जाए। ठीक है, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एजेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेसिकली एजेस 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी एज होती है? एक होती है हमारी प्रेजेंट एज, जो अभी हमारी करंट एज है। फिर एक होती है हमारी पास्ट एज, जो हमारी पहले थी, मतलब 5 साल पहले, 10 साल पहले। और फिर एक अब हमारी आती है फ्यूचर। पास्ट एज मतलब अभी, फॉर एग्जांपल मैं 25 इयर्स का हूं, 5 साल पहले मैं कितने इयर्स का था? तो -5, तो क्या होगा? 20। और 5 साल बाद मैं कितने साल का होऊंगा, मतलब फ्यूचर, तो +5, तो क्या आएगा? 30। बस आपको इतना ही याद रखना है कि प्रेजेंट एज दी हो, पास्ट में जाना हो तो माइनस, फ्यूचर में जाना हो तो प्लस। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में आपको दो चीज ध्यान रखनी है, हमको कौन सी एज दी है और हमको कौन सी एज निकालनी है। अब इस वीडियो में जो स्पेशल चीज है वो है, अगर आपको एज रेशियो में दी हो, फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ फादर एंड द सन इज 3:1 आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब 4 साल के बाद इनका रेशियो 5:8 हो जाता है, तो दोनों की प्रेजेंट एज निकालो। इस टाइप के सम्स आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है वो मैं आपको सिखाता हूँ। 4 या 5 आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आप वीडियो के थ्रू पॉज करके आप देख सकते हो, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा, और एंड में एक आपको होमवर्क दूंगा ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ दृष्टि एंड देवश्य इज 3:4। दो जने दृष्टि और देवश्य, उनकी एज का रेशियो हमको दिया हुआ है 3:4। फिर आगे देखो क्या दिखा है, 4 ईयर्स अगो, मतलब 4 साल पहले, दिस रेशियो वॉज, मतलब इनका रेशियो था 5:7। सो वॉट इज द प्रेजेंट एज ऑफ दृष्टि एंड देवश्य? हमको पहले एक रेशियो दिया है, फिर 4 साल पहले का रेशियो दिया है, तो हमको उनका प्रेजेंट एज निकालना है। सो अभी तक जो हम मेथड यूज करते आए हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। सो हम क्या करते हैं, लेट दृष्टि एज इक्वल्स टू 3x। एक्स मतलब अभी तक मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने वेरिएबल लिया एक्स। अब यहाँ पे 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3:4 में पहला 3 किसका है? दृष्टि का। फिर उसके बाद क्या है? देवश्य, उसका क्या होगा? 4x। सो प्रेजेंट एज ऑफ देवश्य इज 4x। अब ध्यान से देखो, 4 ईयर्स अगो, अगो जहां पे भी आए, तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। सो मैंने यहाँ पे किया माइनस, इधर भी किया मैंने माइनस। दिस रेशियो वॉज, मतलब 4 साल पहले उनका रेशियो क्या था? 4, यहाँ पे 4 माइनस किया, उनका रेशियो था 5:7। सो यहाँ पे आएगा 5, इधर आएगा 7। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 5 4x माइनस 4। 7 3 21x माइनस 28 इक्वल्स टू 20x माइनस 20। अब ये इक्वल्स टू के सब इस साइड आएगा, सो साइन सारी चेंज हो जाएगी। सो 21x माइनस 28 माइनस 20x प्लस 20 इक्वल्स टू में 0। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आएगी 8। अभी देखो, अभी हमारा एज निकला नहीं है, अब दृष्टि की प्रेजेंट एज हमने क्या सपोज करी थी,
3x, सो दृष्टि इक्वल्स टू 3x, सो x का वैल्यू अब हमारा आ गया 8, सो 3 × 8 दैट इज 24 ईयर्स, सो दृष्टि की एज आ गई हमारी 24 ईयर्स। अब हमको देवश्य की एज निकालनी है, सो वो हमने क्या लेट करी थी 4x, सो देवश्य की एज इक्वल्स टू 4x, सो 4 × x क्या है हमारा 8, सो 8, सो आया 32 ईयर्स। सो इस तरीके से हम अभी तक यूज करते आ रहे थे, ये मेथड हम अप्लाई करते थे, पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे अप्लाई करनी है ताकि आपका आंसर 5 या 10 सेकंड में आ जाए। सो चलिए देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। सो लॉन्ग मेथड से या तो ओल्ड मेथड से तो हम सब आंसर ला ही सकते हैं और 4-5 मिनट में हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, चेक करना होता है, एक्स की वैल्यू निकालो, फिर उसको प्रेजेंट एज में डालो। पर अब जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसमें आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ रेशियो देखना है। सो पहला वाला रेशियो क्या है हमारे पास, 3:4, सो सिंपली आपको 3:4 लिख देना है। अब 3:4 में 3 किसका है, दृष्टि का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया उसका शॉर्ट फॉर्म, फिर देवश्य का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया उसका शॉर्ट फॉर्म। अब कितने साल बाद की बात हो रही है, 4, तो यहाँ पे मैं साइड में लिखूंगा 4, ठीक है। अब देखो कितना रेशियो हो रहा है, 5:7, मतलब 5:7 यहां तक आया आपको समझ में। अब देखो व्हाट इज द प्रेजेंट एज, अब हमको प्रेजेंट एज निकालनी है दृष्टि की, सो कुछ नहीं करना है। देखो दृष्टि की पहली एज कौन सी है, 3 × हमको क्या टाइम दिया गया है, 4, मतलब हमारा प्रेजेंट एज लिखना है, टाइम लिखना है इनटू इन दो का डिफरेंस, मतलब 7 - 5 कितना होगा, 2, तो अपॉन में मल्टीप्लाई में लिखूंगा मैं 2। अब देखो अपॉन में मुझे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 3 क्या होगा, 21 - 5 = 4 क्या होगा, 20। अब आप सोचोगे कि 5 = 20 - 21 क्यों नहीं किया, क्योंकि एज हमेशा प्लस में आती है, इसलिए पहला वाला नंबर जो भी हम लेंगे वो बड़ा ही लेंगे, ठीक है। तो 4 × 8, 8 × 3 = 24, तो देखा आपने हमारा ट्रेडिशनल मेथड से भी 24 आ रहा था और ये हमारा इतना सा हमने अप्लाई किया और आंसर 24 आ चुका है। अब देखो उसी तरह देवश्य की भी एज हम निकाल लेंगे, यहाँ पे मैं आपको साइड पे निकाल के दिखा देता हूँ, उसकी एज कितनी है, 4, तो ये मैंने किया 4, टाइम्स कितना है 4, तो वो भी मैं करूँगा 4, इंटू इन दोनों का डिफरेंस तो कितना है, 7 - 5 2 अपॉन 21 - 20 तो सेम ही रहेगा जो होगा 1, ये आ गया 32, 16 और 2 = 32। तो देखा आपने सिर्फ 5 या 10 सेकंड में बिना कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करे हमारा रेशियो वाला आंसर की एजिस निकल के आपके सामने। सो आइए मैं आपको दूसरा सम कराता हूं ताकि आपको ये सम एकदम क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट सम आप लोगों के सामने दिया है, क्या दिया है हमको, द रेशियो ऑफ एजिस ऑफ अंकिता एंड देवांगी इज 3/11, 3/11, कोई भी रेशियो दिया हमारा आंसर तो 10 सेकंड में ही आएगा। फिर आफ्टर 3 ईयर्स दिस रेशियो विल बिकम 1/3, सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अंकिता एंड देवांगी, वही करना है सिंपली हमको। पहला रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:11, कितने साल की बात हो रही है, 3, तो 3 मैं लिख दूंगा साइड में। दूसरा रेशियो क्या है, 1:3, तो 1:3 मैंने लिख दिया इधर। पहली एज है अंकिता की, दूसरी एज है देवांगी की, क्या निकालना है हमको, अंकिता की, तो अंकिता का ए कितना है, 3, कितने ईयर्स की बात हो रही है, 3, दोनों का डिफरेंस 3 - 1 = 2 अपॉन में, अब देखो 11 - 9 भी होता है 2, तो यहां से 2 गया, यहां से 2 गया, अंकिता की एज आ गई 9। देखा आपने सिर्फ दो या तो एक ही स्टेप में आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब देखो देवांगी की एज 11, टाइम्स क्या है 3, इनटू डिफरेंस क्या है 2, अपॉन में 2, 2, तो देवांगी की एज आ गई 33। आया समझ में। सो आइए बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, एक और एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको एक होमवर्क में दूंगा ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
चलिए अब लास्ट क्वेश्चन फटाफट से कर ले। तो मुझे तो भाई बड़ा मजा आ रहा है ये सब मेथड अप्लाई करके। अब देखो ये एक लास्ट समय आपको पूरा ये कंसेप्ट आ जाएगा, फिर आपको भी मजा आएगा। ये कोई भी प्रॉब्लम पूछिए आप फटाक से उसका आंसर ला दोगे। सो देखो हमारे पास क्या दिया है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ नेहा एंड समीर इज 1/5। सो मैंने लिख दिया 1/5, कितने साल की बात हो रही है, 7, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7। दूसरा रेशियो क्या हुआ है, 3/8। ये है ना नेहा, ये है समीर। अब नेहा की एज निकालने तो 1 × 7 × 8 − 5 = 5, और दोनों का डिफरेंस 15 − 8 = 5, 5 उड़ गया, नेहा की एज आ गई 7। देखा आपने सिर्फ 2 सेकंड में आंसर। अब देखो समीर की एज, तो समीर की एज कितनी है, 5 टाइम्स कितना दिया हुआ है, 7, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, × 5 नीचे 5, 5 कट गया, 7 × 5 = 35 आंसर। सो देखा आपने किस तरीके से एकदम फास्ट ट्रिक, आप इसको यूज़ करके कोई भी रेशियो वाला आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और आपके सारे फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो मैंने आपको होमवर्क में दिया, आप उसका कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर लिखें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।